वेलकम टू माई YouTube चैनल लर्न हेयर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन पेंटिंग्स के बारे में। इंडियन पेंटिंग्स की शुरुआत केव पेंटिंग से हुई थी, जैसे कि भीमबेटका केव्स। सो लेट्स स्टार्ट नोइंग मोर अबाउट द इंडियन पेंटिंग्स। इंडियन पेंटिंग्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज मुरल पेंटिंग एंड सेकेंड इज मिनिएचर पेंटिंग। तो हम मुरल पेंटिंग से स्टार्ट करते हैं। मुरल पेंटिंग की शुरुआत हम 2nd century BC से 10th century AD तक में ट्रेस कर सकते हैं। ये पेंटिंग्स बड़े बड़े वॉल्स और केव्स में किए जाते हैं। मुरल इज द ओनली फॉर्म ऑफ पेंटिंग दैट इज ट्रूली 3-dimensional। मुरल पेंटिंग्स इस तरीके के होते हैं कि हमें ये 3D दिखाई देते हैं। मुरल पेंटिंग्स आर अप्लाइड ऑन ड्राई वॉल विद द यूज ऑफ ऑयल, एग योक एक्सेट्रा। मुरल में पेंट को सूखे दीवारों पे ऑयल या एग योक के मदद से लगाया जाता है। इसमें जो कलर्स यूज होते हैं वो भी नेचुरली डिराइव किए जाते हैं, टेराकोटा चौक, रेड ऑकर, येलो ऑकर जैसे चीज़ों से। फिर उसे एनिमल फैट से मिक्स करके यूज़ किया जाता है। ऐसी कुछ जगह जहाँ हमें मुरल्स देखने को मिलते हैं वो हैं अजंता केव्स, बाग केव्स, सीता नवासल केव्स, अमरामलाई केव्स, कैलाश टेम्पल में एलोरा केव्स। ये मुरल्स मेनली बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू थीम्स पे बनाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में। मिनिएचर पेंटिंग्स की शुरुआत हम लोग 7th century AD से ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा देखा गया था मुगल्स के टाइम पे। बंगाल के जो पालास थे उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग बनाना शुरू किया था। जैसा कि हमने पढ़ा, मुरल्स बड़े बड़े वॉल्स और केव्स में बनाए जाते थे, लेकिन मिनिएचर छोटे छोटे पाम लीव्स, पेपर, वुड, मार्बल, आइवरी पैनल और क्लोथ में बहुत ही कलरफुल और डिटेल तरीके से बनाया जाता था। इसे बनाने में जो पेपर यूज़ किया जाता था वो भी इतना स्पेशल होता था कि पहले उसे स्टोन से पॉलिश किया जाता था ताकि उसका सरफेस स्मूथ हो जाए। मिनिएचर पेंटिंग्स के कलर डिराइव किए जाते थे स्टोन के डस्ट, गोल्ड और सिल्वर के डस्ट से। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये पेंटिंग्स महंगे भी रहते होंगे। इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स के 7 schools हैं। पाला स्कूल, जैना स्कूल, मुगल स्कूल, राजस्थानी स्कूल, उड़ीसा स्कूल, पहाड़ी स्कूल और डेक्कन स्कूल, जिनमें अलग अलग टाइप के मिनिएचर पेंटिंग्स के कैटेगरीज हैं। हमने इंडियन पेंटिंग्स के 2 major categories को पढ़ा है, तो अब हम कुछ रीजनल पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विथ कालीघाट पेंटिंग। रूरल बंगाल के जो पटुआ पेंटर्स थे वो 19th century में कोलकाता के कालीघाट में आके सेटल हो गए और गॉड और गॉडेसेस के इमेज को पेंट करने लगे। ये पेंटर्स मिल में बने हुए पेपर्स पे पेंटिंग बनाते थे और लैम्प ब्लैक से पेंटिंग करते थे। कालीघाट पेंटिंग के 2 major types होते हैं। पहला ओरिएंटल, इसमें ये पेंटर्स रिलीजियस पेंटिंग्स बनाते थे जैसे कि गॉड, गॉडेसेस, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सीन्स फ्रॉम हिंदू टेक्स्ट। और दूसरा है ऑसिडेंटल, इसमें पेंटर्स सिविल और सेक्युलर थीम्स पे पेंटिंग बनाते थे जैसे कि क्राइम, वुमेन एजुकेशन, फ्रीडम स्ट्रगल एक्सेट्रा। कमिंग टू आर नेक्स्ट रीजनल पेंटिंग दैट इज मधुबनी पेंटिंग। इस पेंटिंग की शुरुआत
बिहार के मिथिला रीजन से हुई थी, इसीलिए इसे मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं। इसे पेंट किया जाता है वॉल्स, क्लोथ्स, हैंडमेड पेपर और कैनवास पे। इसके कलर्स ऑब्टेन किए जाते हैं पाउडर राइस के पेस्ट से, ऑकर, लैम्प ब्लैक और वेजिटेबल से। क्योंकि मिथिला गॉडेस सीता का बर्थ प्लेस माना जाता है, मधुबनी पेंटिंग का सेंट्रल थीम हिंदू गॉड, गॉडेसेस और रामायण के सीन्स होते हैं। इसके साथ ही फ्लोरल पैटर्न्स और डबल लाइन बॉर्डर्स भी बनाए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जापान के मिथिला म्यूजियम में 850 मधुबनी आर्ट वर्क्स डिस्प्ले किए हुए हैं। इसे कोवेटेड GI स्टेटस भी दिया गया है। कलमकरी पेंटिंग, ये ओरिजिनेट हुआ था आंध्र प्रदेश से और सबसे ज़्यादा डेवलप किया था विजयनगर रूलर्स के अंडर में। कलम का मतलब है पेन और कारी का क्राफ्टमैनशिप, इसलिए कलमकरी पेंटिंग इज बेस्ड ऑन पेंटिंग्स डन बाय पेन। इसमें टैमरिंड और बैम्बू के पेन यूज होते हैं नेचुरल कलर्स के साथ। कलमकरी के थीम्स महाभारता और रामायण के कैरेक्टर्स, फ्लावर्स, पीकॉक जैसे होते हैं। इसे मेनली कॉटन फैब्रिक पे पेंट किया जाता है। वर्ली पेंटिंग, ये ओरिजिनेट किया था महाराष्ट्र से और इसे नॉर्दर्न सह्याद्री रीजन के आदिवासी ट्राइब्स पेंट करते हैं। इसमें बैम्बू स्टिक का यूज होता है ब्रश के रूप में। इसके कलर्स राइस पेस्ट और गम से बनाए जाते हैं। वर्ली पेंटिंग ट्रेडिशनली वॉल्स पे किया जाता था, ज्योमेट्रिक शेप्स, ट्रीज, बर्ड्स, मैन, वुमेन बनाकर। लेकिन अब वर्ली पेंटिंग कैनवास और पेपर पे भी बनाया जाता है डेकोरेशन पर्पस से। पत्ताचित्रा पेंटिंग, ये ओरिजिनेट किया था 12th सेंचुरी में ओडिशा से। पत्ता का मतलब है क्लोथ और चित्रा का मतलब पिक्चर। इट्स रिटन रॉन्ग इन द इमेज बाय मिस्टेक, इसलिए पेंटिंग को क्लोथ, पाम लीव्स, तसर सिल्क पे बनाया जाता है। इसके कलर्स कैथा ट्री के गम और दूसरे कलर पिगमेंट से बनाए जाते हैं। सारे पत्ताचित्र पेंटिंग में फ्लोरल बॉर्डर्स मस्ट है और उसके मिडिल में थीम्स जैसे कि डिपिक्शन ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, कृष्ण लीला, 10 अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु एक्सेट्रा। एंड आर लास्ट पेंटिंग इज गोंड पेंटिंग। ये ओरिजिनेट हुआ था मध्य प्रदेश से और गोदावरी बेल्ट के गोंड ट्राइब मेनली इस पेंटिंग को बनाते हैं। इसे वॉल्स और फ्लोर्स पे बनाया जाता है। इसके कलर्स ऑब्टेन किए जाते हैं चारकोल, कलर्ड सॉइल, लीव्स, हिबिस्कस, फ्लावर जैसे चीज़ों से। इसे नेचर, फेस्टिवल्स, इमेजिनेशन जैसे थीम्स पे बनाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल आर्ट से सिमिलर है ये गोंड पेंटिंग। आई होप यू हैव लर्नड इनफ अबाउट इंडियन पेंटिंग्स। I will be covering the 7 schools of miniature painting in my next video. Thank you for watching this video. Do like and subscribe my channel for more educational videos.